आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर में जल भराव से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान चीनी गुड़ व्यापारियों ने बरसात से हुए आर्थिक नुकसान को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने विधायक को बताया कि आदमपुर में बरसात के कारण प्रत्येक चीनी व्यापारी को 12 से 15 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। वे व्यापारियों की मांग सरकार के समक्ष उठाए और उनको उचित मुआवजा दिलवाए ताकि वो दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सके। आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने व्यापारियों को उनके नुकसान की भरपाई करवाने का आश्वासन देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान करवाने के लिए वे बरसाती पानी का कनेक्शन ड्रेन से जुड़वाने का काम करेंगे। इसके लिए वे जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे। आदमपुर की इस समस्या को वह जल्द ही जड़ से समाप्त करवा कर रहेंगे ताकि भविष्य में कभी व्यापारियों को इस प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े। देखिए, मुआवजे से मुआवजा तो करवाएंगे, उससे पहले हमें इसको समाधान निकालना पड़ेगा ताकि ये बीमारी दोबारा ना हो, जिसको जड़ से खत्म करना है। पहले सरकार के ऊपर जबरदस्त दबाव बना के, चाहे मुझे विधानसभा बोलना पड़ा हो, चाहे मुझे सीएम को मिलना पड़ा हो, चाहे फोन पे कई बार बात करनी पड़ी, पत्र लिखने पड़े। मैंने क्रांति चौक शिव कॉलोनी धारा उड्डा रोड करते हुए यहाँ तक हम फाटक तक हमने उसकी ड्रेनेज सिस्टम की प्रावधान किया। अब ड्रेन के अंदर जब तक हम रेल लाइन में नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका पूरा समाधान नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा और हर हाल के अंदर ये प्रभाग में दूंगा। और ये समस्या सिर्फ आदमपुर की नहीं है, मुख्यमंत्री की खुद की सिटी करनाल के अंदर इससे ही बुरा हाल है, चाहे और जितने, चाहे फतेहाबाद है, चाहे सिरसा है, चाहे वो करनाल है, चाहे पानीपत है, सभी जगह यही हाल है। तो सरकार को कोई ना कोई रास्ते अपने ढंग से, यहाँ तो मैं करवा दूंगा, और जगह भी निकालने पड़ेंगे, सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। और मेरे आदमपुर हल्के में बहुत ज़बरदस्त नुकसान व्यापारियों का, आड़तियों का हुआ है, चाहे वो चीनी का है या और है। तो मैं सरकार से आपके द्वारा मांग करता हूँ कि इस मुआवजे की, इस नुकसान की भरपाई करते हुए उचित मुआवजा हर हाल के अंदर सरकार तुरंत प्रभाव से हमारे व्यापारी को दे, वरना हमारे व्यापारी डूब जाएंगे। और इस संघर्ष में व्यापारियों के साथ कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल परिवार। बहरहाल कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर आकर व्यापारियों से उनके विपरीत समय में साथ खड़े होने की बात कही है, लेकिन अब देखना है कि वे व्यापारियों को मुआवजा दिलवाने और जल भैराव की समस्या से निजात दिलवाने के लिए कितने समय में काम करते हैं।